हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुरई की सब्जी की एक बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी। ये खाने में टेस्टी भी लगती है और बनाने में भी बहुत ज्यादा आसान है। आजकल श्राद्धों के दिन चल रहे हैं और श्राद्धों में राजस्थान के हर घर में तुरई की सब्जी जरूर बनती है। एक तुरई की सब्जी बनती है थाली के लिए, जिसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। स्पेशली ये सब्जी बनाई जाती है। एक सब्जी और बनती है पूड़ी के साथ, पर तुरई की सब्जी तो बनती ही बनती है। तो यहाँ पर मैं भी अपनी तुरई की बहुत ही सिंपल सी सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सब्जी में जो भी आपको कमी लगी वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर हमारे घर में ज्यादातर इस तरह से बिना लहसुन प्याज की बहुत ही सिंपल तरीके से इसी तरीके से तुरई की सब्जी बनाते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है तेल, तेल में डाला है जीरा। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हमारे यहाँ जीरा नहीं खाते या फिर सरसों का तेल नहीं खाते, तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लें। तो यहाँ पर मैंने तेल में जीरा डाला है। इसके बाद से ले ली है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें 3 से 4 ली हैं, इनको फाइनली चॉप कर लिया है। हरी मिर्चों के साथ ही साथ हम यहाँ पर जिंजर लेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो चीजें जमीन के नीचे निकलती हैं वो नहीं खाते, तो आप चाहें तो जिंजर को डालें या फिर ना डालें। क्योंकि मैंने पिछले बार श्राद्ध के बहुत सारी थाली रेसिपी शेयर की हुई है 2 से 3, तो उन पे कमेंट आते हैं कि आपने जीरा डाला, आलू डाला, अदरक डाला, ये सारे कुछ कमेंट आते हैं। तो अगर आप नहीं खाते तो आप नहीं डालें, पर प्लीज इस तरह के कमेंट ना करें। तो यहाँ पर अभी जीरे और अदरक के बाद हरी मिर्च डाली है, साथ ही अब गए हैं पीसे मसाले, जिसमें है हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। मसालों के साथ थोड़ा सा पानी डालूंगी, मसाले एकदम ड्राई हैं और इसके बाद से जो है मसालों को जलाना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिम फ्लेम पर मसालों को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इन मसालों को थोड़ा सी देर लगता है फ्राई होने में सिम फ्लेम पर, बस 1 मिनट ये लेंगे। 1 मिनट भी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने थोड़ा पानी ऐड किया है, पानी वाले मसाले थोड़ा सा लेट भूनते हैं। मसाले जब भून जाए इस तरह से थोड़े से आपको ड्राई दिखने लगे, तब हम क्या करेंगे कि अपने तोरू ऐड करेंगे। तोरई को मैंने पहले ही वॉश करके अच्छे से पील करके और फाइन चॉप करके रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर हमारी तुरई रेडी हो चुकी है। देखिए कितने छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काटा है। आप चाहें तो तुरई को दूसरे टाइप के पीसेस में भी काट सकते हैं। तुरई डालने के बाद आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक और बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो हम क्या करेंगे, तुरई को नमक के साथ मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। तुरई को जो कटिंग करनी है वो आप लंबे में भी कर सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं। छोटे पीसेस में करने से आसानी ये होती है कि तुरई हमारी गलने में टाइम कम लेती है। और बस यहाँ पर अच्छे से मिलाने के बाद हम लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद 2 से 3 मिनट हम तुरई को इस तरह से सेम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे ये थोड़ी सी गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो अभी 3 मिनट हो गए हैं। 3 मिनट के बाद तुरई को चेक करते हैं। मैंने ढक्कन हटाया है और आप देख रहे हैं तुरई हल्की सी सॉफ्ट दिख रही है। पूरी तरह से तो नहीं गली है, पर हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। और तुरई से क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल से, इस तरह की सब्जियों से थोड़ा सा पानी जरूर ऊज आउट होता है और इन्हीं पानी में ये सब्जियां अच्छे से कुक हो जाती हैं। अब इसके बाद से मैंने एक लाल कटा हुआ टमाटर लिया है, इसको ऐड कर दिया है। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लें। टमाटर जरूर डालें, टमाटर, जिंजर और हरी मिर्च से इस सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। टमाटर मिलाकर हमें जो है यहाँ पर वापस से ढक्कन लगाना है और इसको पकाना है फिर से 5 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद वापस से चेक कर लेते हैं। देखिए तुरई और टमाटर दोनों ही हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद से इसको अच्छे से घुमा फिरा लीजिए और इसको हम अब क्या करेंगे कि हल्का सा स्पून से मैश करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये सब्जी मैं बना रही हूँ ड्राई, तो यहाँ पर हमें इसे इस तरह से स्पून से ही मैश करना पड़ेगा। पानी अगर हम डालते हैं तो सब्जी उसमें जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, पर मैं यहाँ पर इसे स्पून से हल्का सा मैश कर दूंगी, जिससे ये थोड़ी सी मैशी फॉर्म में आ जाए और खाने में टेस्टी लगे। इसको इस तरह से आप कर सकते हैं जैसे मैं अभी करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये टोटली ऑप्शनल है कि आप मैश करें या ना करें। अगर आपको खड़े खड़े साबुत पीसेस भी अच्छे लगते हैं तो आप इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और इनको इस तरह से हल्का हल्का चलाने के बाद हम इसे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट खुली इस तरह से बिना ढक्कन लगाए और मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर तुरई क्या होगी कि हल्की हल्की सी फ्राई हो जाएगी, इसका जो पानी निकला है वो थोड़ा सूख जाएगा। और अभी मैंने तुरई को हल्का हल्का सा मैश कर लिया है। इसके बाद से मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए। कसूरी मेथी डालने के बाद 1 मिनट इसको ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे कढ़ाई में खुले में ही, और जितना चाहे उसको मिक्स कर लीजिए। बस हमारी तुरई की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार है। ये सब्जी जितने सिंपल तरीके से बनी है उतनी ही खाने में टेस्टी है। इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठे, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। स्वाद नहीं होता आपके घर में तो भी आप तुरई की इस तरह की सब्जी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये एक तरह से एक जैन सब्जी है, बिना लहसुन प्याज के बनी हुई सात्विक सब्जी है। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही छोटी छोटी और रेसिपीज देखने के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए स्पेशली श्राद्धों के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।